अभी जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है साय साहब, उससे बहुत सारे पुराने नेता है, बहुत से नेता है आपके समय के, वो भी थोड़ा सा अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही। तो ऐसे कुछ नेताओं ने अपना दर्द आपको व्यक्त किया है क्या? वैसे भी कुछ लोग और हैं कि आपके समान पार्टी छोड़ सकते हैं दुखी होकर? नहीं, अभी तक तो मेरे संपर्क में कोई नहीं है। और मैं ऐसा बहुत सारे लोग हो सकते हैं, क्योंकि जो परिस्थिति पार्टी की है वो इसी टाइप की है, लेकिन मेरे संपर्क में आज तक इस तरह का कोई नहीं है। हो सकते हैं बहुत सारे लोग होंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में आपने आज कांग्रेस ज्वाइन किया, क्या कल इस्तीफा देने के पहले मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत हुई थी? मुख्यमंत्री से कभी आपने जाहिर किया था कि आपकी आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व तो मुझको बहुत प्रभावित कर रहा है, आपकी जो योजना है मुझको प्रभावित हो रही है, पहले कभी ऐसी कोई बात हुई थी? ऐसी कोई बात नहीं थी। कोई काम आम की दृष्टि से हम जाते जरूर थे, और वो पहले से भी हमारा बहुत सम्मान करते थे, और आपस में बहुत पुराने समय से कुछ कुछ बातों को लेकर के, खाली राजनीति नहीं और भी विषय को लेकर के बातचीत तो होती थी, लेकिन ऐसा इस पार्टी बदलना है वहाँ जाना है इस संबंध में बात नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों के बाद में अभी अभी ही जो परिस्थिति आगे बढ़ी, ये समस्या कुछ बातों को लेकर के हम जब आगे आए तभी ये बात आई है सामने। अच्छा, आज विष्णुदेव साय ने एक बात कही है कि उनको लगता है कि कुछ दबाव है आपके ऊपर, कुछ किसी चीज के दबाव में आपने कांग्रेस ज्वाइन किया है, और वो ये भी बोल रहे हैं कि हम इसका पता लगाएंगे, वो आपसे बात भी करेंगे, और बात करने के बाद अगर लगता है कि कोई आपके ऊपर दबाव है तो वो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आपके ऊपर खुला है। तो क्या कभी कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है तो कुछ उम्मीद रखे भारतीय जनता पार्टी वाले? बिल्कुल नहीं, और कोई दबाव है, ये बात बिल्कुल निराधार, सत्य से परे और तथ्यों के खिलाफ है, कोई ऐसी बात नहीं।